बेबी डोजकॉइन। आज का दिन बेबी डोजकॉइन ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है। बेबी डोजकॉइन का अच्छा खासा एक पंप आ रहा है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेबी डोजकॉइन में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इतना पंप आ रहा है, क्या कुछ चीजें हो रहा है और मार्केट का कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी जानने का कोशिश करेंगे। इसीलिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए कंप्लीट एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग बीच में से छोड़ के चले जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता चला वो नहीं पता चला, तो इसीलिए कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना और उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। इस वीडियो में हम 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप लोग पूरा कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूं कि बेबी डोजकॉइन करेंटली एक ऐसा कॉइन बनता जा रहा है जो कि एक ब्लास्ट होने का कागार पे है। बहुत ही जल्द ऐसा जो ऐसा हुआ था 2021 में, जैसे शिबा इनू बस्ट होके निकला था, फिर डोजकॉइन जैसे बस्ट होके निकला था, अब बारी है बेबी डोजकॉइन का, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बेबी डोजकॉइन का इतना सारा यूज केसेस, इतना सारा यूटिलिटीज, इतना सारा कुछ चीजें, इतना सारा अपडेट्स जो है एक साथ एक बार आ रहा है और हफ्ते दर हफ्ते ये जो है एक ट्रेंडिंग पर आ रहा है। इसीलिए इस कॉइन में बहुत ही ज्यादा लाइकली है, बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये कॉइन बहुत ही जल्दी हमको बस्ट होते हुए दिखाई दे। बस्ट होने का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है, ये कॉइन जो है एक्सपोनेंशियली पंप दे सकता है, आप लोगों को बहुत एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अभी पीसी का स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट सभी कुछ चीजें दिखाऊंगा, क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स है और किस लिए ये सारा कुछ चीजें जो है वो हो रहा है। तो चलिए फिलहाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम आगे हैं यहाँ पे क्रिप्टो केबल चैनल पे। क्रिप्टो केबल चैनल पे अगर आप आएंगे, आने के बाद आपको शिबा इनू, बेबी डोजकॉइन, बिटटोरेंट, हर कॉइन का आपको यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन मिलेगा और जितना जितना नया नया अपडेट्स आ रहा है उन सब का रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कैन बेबी डोजकॉइन किल 4 जीरोस का ऊपर मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको कुछ अच्छा खासा सीखने को जानने को मिलेगा अगर आप बेबी डोजकॉइन होल्ड करते हैं तो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आगे है हमारा बिटकॉइन का चार्ट पे। बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट लेवल का बारे में हम कुछ चीजें जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटकॉइन जो है यही कंप्लीट मार्केट जो है उसको डिसाइड करता है। यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन का चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो यहाँ पे करंटली प्राइस जो चल रहा है $23,367 पे यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे $24,000 और यहाँ पे $22,300 का बीच में यहाँ पे एक पोजिशन बना के यहाँ पे होल्ड कर रहा है काफी लॉन्ग समय से, काफी अच्छा खासा एक नंबर ऑफ पीरियड से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो इस जगह पे एक पोजीशन बनाना, इस जगह पे एक सपोर्ट क्रिएट करना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहाल है। इसलिए यहाँ पे अगर सपोर्ट रेंज बनाता है तो इसको ब्रेक करके नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमिक सीनेरियो क्या चल रहा है वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय चांस जो सीनेरियो अभी चल रहा है चाइना ताइवान को लेके, अगर वहाँ पे कुछ वॉर जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ जो है उसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर कहीं पे भी ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है और भी ख़राब होता है तो हमको ये ब्रेक होके $19,000 जो है वो भी फिर से टच करने को देखने को मिल सकता है। इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि कब मार्केट पे क्या हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपडेटेड रहिए, हमेशा न्यूज़ को देखते रहिए, फॉलोअप करते रहिए। तो इस पोजिशन जो है कल हमने देखा ये $24,000 पे जाके टच करके आया, अभी फिर से यहाँ पे $23,359 पे चल रहा है। तो इस जगह पे एक सपोर्ट जो बना रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो अभी अगर हम बात करें बेबी डोजकॉइन का यहाँ पे, तो बेबी डोजकॉइन का आज का दिन प्राइस जो है वो यहाँ पे 5% से भी इंक्रीज है। अभी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी देर पहले ये 11% को भी जाके टच करके आया। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे 5% जो है वो इंक्रीज है। अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो उफ क्या कहना, ट्रेडिंग वॉल्यूम करंटली यहाँ पे 158% जो है इंक्रीज है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अभी बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम को लेकर, हमेशा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि प्राइस में पंप आ रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो ये डिसाइड कर रहा है, ये शो करता है कि ट्रेड क्या हो रहा है, बाय या सेल दोनों को मिला के यहाँ पे उसको इंडिकेट करता है ट्रेडिंग वॉल्यूम को। तो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर अच्छा रहा तो कॉइन जो है पंप में जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो अभी ये काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे अगर चार्ट देखें हम कॉइन मार्केट कैप पे बेबी डोजकॉइन का चार्ट, आप अभी देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे एक सर्ज हुआ है। बेबी डोजकॉइन में अच्छा खासा एक पंप देखने को मिला है और वो पंप क्यों देखने को मिला है ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसका ट्विटर हैंडल पे।
ट्विटर हैंडल पे अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे करंटली आप देख रहे पा रहे होंगे बेबी डॉजकॉइन का फॉलोअर जो है 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है। अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे 50 क्वार्टरली बर्न का यहाँ पे एक पिन किया गया है, यहाँ पे एक ट्वीट। नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी अगर पता होगा कि कल जो है इनका एक एम ए सेशन हुआ था। एम ए सेशन जिन लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पे देख सकते हैं, एम ए सेशन में काफ़ी सारा चीज़ें जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है, काफ़ी सारा इसका जो स्वैप है स्वैप में कुछ इंट्रोड्यूस नया किया गया है कि स्वैप में कुछ बदलाव आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नया चीज़ जो है वो ऐड होगा। ये एम ए सेशन होने के बाद हमको प्राइस में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइड में बेबी डॉजकॉइन जो है वो 19,000 ट्वीट्स के साथ ये ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, अगर आप बिजनेस एंड फाइनेंस में जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है यहाँ पे बेबी डॉजकॉइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा एक ट्वीट किया है एक अनाउंसमेंट का रिगार्डिंग, जिसके वजह से हमको मार्केट में एक अच्छा खासा पंप जो है वो देखने को मिल रहा है। मेजर अनाउंसमेंट कमिंग टुमारो, ये कमिंग टुमारो में एक अनाउंसमेंट होने वाला है आने वाला दिन, मतलब अगर आज मैं 9 अगस्त है, 10 अगस्त को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है बेबी डॉजकॉइन की तरफ से। अब वो अनाउंसमेंट या तो हो सकता है लिस्टिंग का, या तो कोई बड़ा यूटिलिटी का, या तो कोई बड़ा पार्टनरशिप का, कोई एक चीज़ का बहुत बड़ा चीज़ जो है वो हो सकता है। अब उस चीज़ का ऊपर डिपेंड करके अगर ऐसा कुछ चीज़ें होता है तो हमको और भी ज़्यादा पंप जो है वो देखने को मिल सकता है बेबी डॉजकॉइन में। तो ये कुछ चीज़ें जो है अपडेट एम एस सेशन और इस अपडेट की वजह से, इस ट्वीट की वजह से हमको अच्छा खासा 10% 11% का पंप जो है वो देखने को मिला है। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रहा है, अगर आप बेबी डॉजकॉइन का ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं बताता हूँ हमेशा कि आप जिस भी कॉइन को होल्ड कर रहे हैं उसका ट्विटर हैंडल पर, उसके सोशल मीडिया साइट पर जाके आपको फॉलो होकर रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने और एक यहाँ पे बीएससी न्यूज ने यहाँ पे ट्वीट किया है, द एनिमल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल लीग एंड बेबी डॉजकॉइन टीम्ड अप टू सेलिब्रेट ए बर्थडे पार्टी ऑफ रेस्क्यू डॉग्स। जो डॉग्स जो है एक होता है ना स्ट्रे डॉग्स, तो उनको ये लोग रेस्क्यू किए हैं इन टीम ने, बेबी डॉजकॉइन का टीम ने और एनिमल लीग का टीम ने, तो इन लोगों ने इनके लिए बर्थडे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया है, इनका जन्मदिन का ऑर्गेनाइजेशन, जन्मदिन का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज जो है इन्होंने किया है। तो इसके वजह से ये सभी कुछ चीज़ों जो है ये सब मिला के इनका पंप पे काम कर रहा है। तो ये कॉइन आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, जैसे कि मैंने बताया डॉजकॉइन शिबा इनू के बाद अब बेबी डॉजकॉइन का नंबर आने वाला है नेक्स्ट, तो बेबी डॉजकॉइन आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अब अगर हम बात करें बेबी डॉजकॉइन का होल्डर्स का, तो बेबी डॉजकॉइन का अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख का जैसा होल्डर्स होने को है, शिबा इनू का 12 लाख का जैसा होल्डर्स है एट प्रेजेंट, मतलब शिबा इनू से भी ज़्यादा है अभी करंटली बेबी डॉजकॉइन का होल्डर्स। तो अल्टीमेटली आने वाले टाइम में जितना भी और एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होता जाएगा उतना यूजर्स को अट्रैक्ट करेगा, यूजर्स आएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट और होगा, इसी के साथ साथ और होल्डर्स जो है वो भी इंक्रीज होंगे और पंप जो है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग मुझे पता है बेबी डॉजकॉइन पे होल्ड किए हुए, होल्ड करते रहिए, होल्ड इज गोल्ड, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है बेबी डॉजकॉइन में और हम सबको बेबी डॉजकॉइन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा आज का बेबी डॉजकॉइन का ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट, ये सारा कुछ चीजें जो है पसंद आ गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना और नीचे कमेंट छोड़ देना। तो चलिए इसके साथ करते हैं अभी का वीडियो खत्म, टाटा बाय बाय, थैंक यू।